नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जिसमें आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू से बाहर निकालने को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए, जिसकी बदौलत अब गरीब से गरीब परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। अब किसी गरीब को इलाज के लिए मकान जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज के बोझ तले दबना नहीं पड़ता। सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में इलाज चाहता है तो उसके लिए भी सरकार की ओर से 5 लाख तक की मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री कई बार इस बात का खुले मंच से जिक्र कर चुके हैं कि हमारी सरकार गरीबों के लिए पहले है और अमीरों के लिए बाद में। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, तो इसी का जवाब हम विकासशील हरियाणा में जानेंगे। मनोहर सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन खुद को शाबाशी देती नहीं थकती। सरकार का यह दावा है कि बीते 8 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए, जिसका सीधा फायदा आवाम को मिल रहा है और खासकर उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो इलाज का भारी भरकम खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार बने करीब 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब भी मौका मिला है वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते हैं कि उनके शासन काल में बीमार अस्पतालों का इलाज कर जन सेवा के लिए तैयार किया गया है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। कितना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी, उसका हरियाणा स्टेट ने किया चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा। लेकिन आज कोई गरीब परिवार जिसके घर में मानो उसके इलाज के लिए परिवार का सदस्य उसका कोई इलाज कराना है, पैसा नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट 650 अस्पताल प्राइवेट भी हैं जिनकी एम्पैनलमेंट हुई है, उन 650 अस्पताल में कहीं जाके इलाज कराए उसका 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा, हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 S पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। मनोहर लाल का साफ मानना है कि सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीब का है जो खुद का इलाज कराने में सक्षम नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी बीमारी में गरीब परिवार अपना सब कुछ खो बैठता है, जमीन मकान गिरवी रखने पर मजबूर होता है, अपनों की जिंदगी बचाने में सिर पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि बीमारी से गरीब बाद में मरता है, आर्थिक तंगी से पहले मर जाता है। लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब किसी गरीब को इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता है, या इलाज कराने जाता है उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी CM रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी DC ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती है। साल 2014 से पहले प्रदेश के बीमार अस्पतालों को लेकर हर कोई फिक्रमंद होता था कि अगर परिवार का कोई सदस्य बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे और कहां मिलेगी। दरअसल पिछली सरकारों ने चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर
लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया था। प्रदेश के सरकारी अस्पताल बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम थे। विशेषज्ञ डॉक्टर और दवाइयों की भारी किल्लत थी। लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। साल 2014 में प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिलने के बाद बीमार अस्पतालों को आईसीयू के बाहर निकाला जा रहा है। प्रदेश में कई नए अस्पताल खोले गए हैं, पुराने अस्पतालों में सभी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। दो साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है, एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है, उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं, तो ये 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। प्रदेश में अस्पतालों की मनमानी किसी से छिपी नहीं थी, जिसकी कीमत कई बार लोगों को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ती थी और ये किसी भी प्रदेश के लिए शर्मनाक है। ऐसे में मनोहर सरकार की ओर से कई कड़े कदम उठाए गए हैं। जो अस्पताल पहले अपनी मनमानी के लिए जाना जाता था, आज वो मरीजों का हमदर्द बनकर इलाज कर रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई और डॉक्टरों की लापरवाही बड़ी समस्या थी। कई बार मरीजों की ओर से इसे लेकर शिकायतें भी सामने आती थी। मरीजों की शिकायत होती थी कि वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं लेकिन अस्पतालों की गंदगी उन्हें एक नया रोग दे देती है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर और मरीज के बीच एक गहरी खाई बनती जा रही थी। कई बार तो मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन अब मनोहर नीतियों की वजह से सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। कैसा लगा यहाँ उत्तर में उपचार में? सही है सर, अच्छी फैसिलिटी है, टाइम टू टाइम वर्क होता है। तो किस प्रकार की सुविधाएं मिली हैं आपको, कोई परेशानी? इसमें सर एक्सरे वगैरह फ्री हुआ है और जो टेस्ट वगैरह हैं VPL के अकॉर्डिंग मतलब फ्री होंगे। हमें तो इसे मेडिसिन चाहिए थी तो मेडिसिन हमें बहुत जल्दी मिली, कोई दिक्कत नहीं, सारी मेडिसिन मिल अवेलेबल थी। आपको बता दें कि पंचकूला का नागरिक अस्पताल देश का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक OPD की सुविधा दी जा रही है और इस 12 घंटे के दौरान OPD में डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए तैनात रहते हैं। हर विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों की सेहत का ख्याल रखते हैं। अस्पताल में इलाज समेत सभी तरह के टेस्ट मुफ्त में होते हैं। बुजुर्गों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम इमरजेंसी में आए थे कल, बट पेशेंट मम्मा मेरे सीरियस थे तो ICU में शिफ्ट कर दिया। क्या क्या सुविधाएं सर? दवाई टाइम से मिलती है, सब कुछ टाइम से है, ठीक ठाक। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर। संतुष्ट तो पूरे ही हैं जी। आज तो पंजाब से भी सारे केसेस आते हैं, डेरा बस्सी के आते हैं, डकोली बल्टाना सारा इलाका ही हमारे पास आ रहा है। अब तो ICU की सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है तो पेशेंट्स का रिस्पांस तो अच्छा है जी। हरियाणा में कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां बेहतर इलाज की सुविधा को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से भी मरीज पहुंचते हैं और इसे ही प्रदेश के लिए मनोहर दिन कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल भी बड़ी समस्या थी। विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आए दिन हड़ताल पर होते थे। डॉक्टरों की इस लापरवाही का खामियाजा कई बार मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता था। अब ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या से निजात पाने के लिए डॉक्टरों से बातचीत कर रास्ता निकाला ताकि अस्पताल में आने वाला हर मरीज भले ही दर्द के साथ आए लेकिन अस्पताल से मर्ज का इलाज और चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटे। प्रदेश सरकार की ओर से आवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की प्रतिबद्धता की सराहना आज पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रदेश की मनोहर सरकार अपने कर्तव्य और वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और ये मनोहर सरकार के काम करने के तरीके और जनहितैषी फैसलों में साफ झलकता भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त चेकअप और दवाइयां लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है।
जबकि पहले इन्हीं कामों के लिए मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अब हरियाणा सरकार की ओर से समय समय पर लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाती है ताकि प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य लाभ ले सके। साथ ही उन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा सके जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार के पास कई बार ऐसी जानकारी होती थी कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की प्राइवेट दवा दुकानदारों से मिली भगत है, जिस वजह से मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सरकारी डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों को वो दवाइयां लिखते थे जो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती थी। बदले में प्राइवेट दवा दुकानदार डॉक्टरों को कमीशन देता था और इसका असर आम आदमी की जेब और सेहत दोनों पर पड़ता था। लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की सख्ती के बाद कमीशन खोरी के इस गोरख धंधे पर काफी हद तक रोक लगी है, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिला है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास इस बात की शिकायतें आ रही थी कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले चंद डॉक्टर पैसों के लालच में अस्पताल के बाहर या तो अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों पर सरकार की ओर से लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसा है। हाँ, मुझे लगता है सर कि सब चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर मैं मेडिसिंस की बात करूँ, जो गरीब तबके के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से पहुँचते हैं, तो उन्हें मेडिसिंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर आपको स्लिप कट करवानी पड़ती है जो कि 200, 300, कहीं जगह 500 तक की होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 से 10 रुपये की एक स्लिप रहती है और मेडिसिंस भी आपको अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर्स भी बहुत मतलब अच्छे से आपको जो है अपने देखते हैं, इलाज करते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा काम किया जा रहा है गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन और स्वास्थ्य मंत्री अनिल के अथक प्रयासों की वजह से पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल गई है। आज प्रदेश का हर अस्पताल सेहतमंद है, जिसकी बदौलत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। लेकिन जब बात अस्पतालों की हो रही है तो भला प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को कैसे भूला जा सकता है। हरियाणा की आर्थिक नगरी गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर सोनीपत, यहाँ निजी अस्पतालों की मनमानी जग जाहिर थी। कई भुक्तभोगी तो इसे प्राइवेट अस्पतालों की गुंडागर्दी कहते थे और ये सिलसिला हर बीतते दिन के साथ आगे ही बढ़ रहा था। प्राइवेट अस्पतालों की ओर से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मामूली बुखार, सर्दी, जुकाम पर लाखों का बिल थमा दिया जाता था, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीजों को भुगतना पड़ता था। मनोहर सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई और ऐसे प्राइवेट अस्पताल पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर 73 तरह के निःशुल्क जांच किए जा रहे हैं। 21 विभिन्न प्रकार की दंत चिकित्सा के साथ 231 तरह के ऑपरेशन मुफ्त किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला नागरिक अस्पतालों में ई उपचार प्रबंधन और सूचना प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत रोगी पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अन्य सहायक इकाइयां शामिल हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार की बड़ी उपलब्धि शिशु मृत्यु दर में कमी भी है। वहीं सरकारी अस्पतालों में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध है। साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए प्लेटलेट्स भी मुफ्त उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों में गर्भ निरोधक टीके को सर्वप्रथम शामिल किया गया है। साथ ही हरियाणा देश के उन चुनिंदा 4 राज्यों में शामिल है जहां टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोटा वायरस वैक्सीन की निःशुल्क शुरुआत की गई है। प्रदेश में काम कर रहे डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मनोहर सरकार की इस नीति से हजारों गरीब परिवारों को नई जिंदगी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मनोहर सरकार आवाम के हित में कई योजनाएं चला रही हैं, जिसका बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। लेकिन गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में चिरायु योजना किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही। इस योजना से जुड़कर प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ले सकता है। किसी भी प्रदेश की बेहतरी के लिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी होता है, तभी हर वर्ग के विकास की कल्पना की जा सकती है। इस बात का जिक्र खुद मनोहर लाल ने
कई बार खुले मंच से भी किया है। हरियाणा में साल 2014 के बाद से सरकार का फोकस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर है। हरियाणा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा स्वास्थ्य बीमा की योजना उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे, अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000 लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बट चुके हैं। प्रदेश के गरीब से गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस सोच के साथ केंद्र की योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर हरियाणा में चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से जुड़े हजारों लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बांटे जा रहे हैं ताकि बीमारी के समय किसी भी गरीब परिवार को किसी से कर्ज लेने की या फिर जमीन बेचने की जरूरत महसूस न हो। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता है, या इलाज कराने जाता उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में चिरायु योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई, मनोहर लाल ने 21 नवंबर को इसकी शुरुआत करते हुए बताया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश के करीब 29 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स, नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रीइंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी, शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा। लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। हरियाणा का नागरिक उसको सारे लाभ मिलेंगे, बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। इतना ही नहीं, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कई बार मनोहर लाल अपना विजन स्पष्ट कर चुके हैं। सरकार की योजना हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है और इस सपने को महज 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा, और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है, एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है, उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं, तो
तो 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। मनोहर लाल की प्राथमिकता हर परिवार की सुरक्षा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग में युद्ध स्तर पर काम जारी है। प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। मनोहर सरकार का फोकस योग पर भी है, जिसके लिए योग शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न लगे, निरोगी रहे। तो इस नाते से एक योजना निरोगी हरियाणा ये भी हमने चलाई है। इस निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये भी हर एक नागरिक का हो, तो इस काम को अभी आदरणीय अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी तभी विकासशील हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक कहलाएगा, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस स्वस्थ हरियाणा पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मनोहर सरकार का सपना हर घर स्वस्थ हो अपना, इसी सोच के साथ शुरू की गई चिरायु योजना का विस्तार 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में किया गया था। इस मौके पर सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअली उपस्थित रहे, जबकि सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों ने मौके पर मौजूद रहकर गरीब परिवारों को चिरायु कार्ड वितरित किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी योजनाएं प्रदेश में लागू की है, लाभार्थियों को जो आज सर्टिफिकेट दिए हैं, जो लोग अधिकारी ने काम किए क्षेत्र में, और ईमानदारी से शिक्षा हो, चिकित्सा हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से और लगन से कार्य किए हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। केल के परिवार हैं जितने उसके दायरे में आए हैं उनकी आज शुरुआत हुई है। डी साहब उनके अधिकारी धीरे धीरे जो भी लाभार्थी हैं उनको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम पंचकुला से ऑनलाइन जुड़ने का काम किया हर एक जिले में, और उस पर जो बहुत सारी योजनाओं का भी आज शुभारंभ किया है, और आज जो ये परिवार पहचान पत्र के जरिए से जो हमारे पीले कार्ड जिसकी आय 1,80,000 से के 1,80,000 और उससे कम के लोगों का जो आज ये पीला कार्ड देने का काम किया, और चिरायु योजना जो आयुष्मान भारत योजना में आती है जो 5,00,000 सालाना जो व्यक्ति बीमार हो जाता है बीपीएल परिवार को तो उसको देने का लाभ किया है, और से भी बहुत सारी योजना है जो आज आप सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं का लाभ। चिरायु कार्ड मिलने से लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें इस कार्ड के जरिए अपना इलाज कराने में आसानी होगी। कार्यक्रम में आया था, काफ़ी दिनों से मुझे राशन नहीं मिल रहा था, अब ये गुलाबी कार्ड मिला है और ये राशन मिलेगा तो मेरा घर खर्चा चल जाएगा। मैं यहाँ कार्यक्रम में आया था, मुझे गुलाबी कार्ड मिला है, इससे मुझे पूरा राशन मिलेगा। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये मुझे आज कार्ड मिला है 5,00,000 का बीमे के लिए, और सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई है हरियाणा में, और मैं इसका मतलब लाभार्थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बेहतर स्वास्थ्य की आस हर किसी को होती है, लेकिन पिछली सरकार में इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई गई थी जिससे बीपीएल कार्ड धारक को बेहतर और मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन अब मनोहर सरकार के ऐसे ही फैसलों ने मनोहर राज की कल्पना को साकार किया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बेहतर स्वास्थ्य की आस हर किसी को होती है, लेकिन पिछली सरकार में इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई गई थी जिससे बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन अब मनोहर सरकार के ऐसे ही फैसलों ने मनोहर राज की कल्पना को साकार किया है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।